अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बात होगी। छात्रों को निकालने पर ये बात हो सकती है, क्योंकि अभी भी कुछ छात्र हैं जो मुश्किल जगहों पर फंसे हुए हैं, तो उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जाए, इस मुद्दे पर बात हो सकती है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं। छात्रों को निकालने के लिए बात की जा सकती है, जो भारतीय छात्र अभी फंसे हुए हैं। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, इससे जुड़ी क्या खबर है, जो बातचीत अब से कुछ देर बाद होने वाली है जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच में? देखिए, आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी दी गई है प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद बात करने वाले हैं। और ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि लगातार यूक्रेन भारत के प्रधानमंत्री और भारत से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करें और ये जो युद्ध चल रहा है उस पर विराम लगना चाहिए, यानी भारत मध्यस्थता करे। इसका अनुरोध बार बार यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन भारत ने एक अपना तटस्थ जो भूमिका है उस पर अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि भारत के जो 26,000 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भारत वहाँ से वापस लाने में कामयाब रहा है। लेकिन यूक्रेन के कुछ ऐसे शहर हैं जहां अभी भी कुछ भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उनको किस तरीके से सेफ पैसेज दिया जाए, उनको कैसे निकाला जाए, यूक्रेन के जो अथॉरिटी हैं, ऑफिशियल्स हैं और जो रशियन एम्बेसी है, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करके भारतीय छात्रों को निकालने की जो प्राथमिकता है वो भारत सरकार ने जाहिर कर रखी है। प्रधानमंत्री लगातार कांस्टेंट टच में हैं और जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की एक इमेज है और बार बार यूक्रेन की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो ये तमाम पहलू हो सकते हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत होने वाली है। और यह बेहद महत्वपूर्ण है, और उस लिहाज से भी देखा जाए तो इंटरनेशनल सिनेरियो में भारत का जो प्रभुत्व है, वो विदेश नीति जो है भारत की, वो कितनी कारगर है कि बाहर के कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत से मदद की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा हिमांशु कि कई अलग अलग कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर फंसे हुए हैं। बहुत जरूरी है रविकांत, जो भारतीय छात्र इस वक्त फंसे हैं उनका सेफ पैसेज के थ्रू जल्द से जल्द भारत पहुंचाया जाए, और उसी के चलते ये अहम बातचीत अब से कुछ देर में होने वाली है। शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।